नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 नवंबर 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। यहां पर ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 24 नवंबर को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है, 2021, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 विभागों में जो अच्छे अच्छे पद होते हैं उसकी वैकेंसियां आई हुई हैं। हायर एजुकेशन की भी वैकेंसियां यहां पर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कब तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, क्या सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें इसमें आपको बताने जानने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट डेट्स की, अगर तो 24 नवंबर यानी आज से ही इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, साथ में ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 24/12/2020 है, यानी 24 दिसंबर, लेकिन पहले आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो फी पेमेंट की डेट 21 दिसंबर 2020 है, ठीक है। अब किस किस विभाग में भर्तियां आई हुई हैं तो वो देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो डिपार्टमेंट है वह है यूपी होम पुलिस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सर्विस। इसके अंतर्गत वैकेंसी है असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर की, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके बारे में, ठीक है। और भी कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी जैसे नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट UP एलोपैथी, यहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे, UP चिकित्सा शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर UP डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वैकेंसी आई हुई हैं। कुल मिलाकर के 6 डिपार्टमेंट वैकेंसी है। हम बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्तियाँ होनी हैं उसके बारे में, लेकिन पहले आप लोग फीस समझ लीजिए कि किसी भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे फीस कितनी लगेगी। तो जनरल के लिए यहाँ पर जो फीस है वो 80 रुपये एग्ज़ाम फी है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फी, कुल मिलाकर के 105 रुपये फीस लगेगी। OBC के लिए 105 रुपये, इनके लिए भी है। SC के लिए 65 रुपये टोटल है, ST के लिए 65 है। हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ 25 रुपये लगेगा जो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का चार्ज है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वुमेन को जो है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा जिस कैटेगरी से संबंधित हैं। बाकी एक सर्विस मैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनको भी यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो वैकेंसी है इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसी हो, मतलब फॉर्म भर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ पोस्ट में, तो इसका गजेटेड पद है आपका, ठीक है। पे बैंड आपका 15,600 से लेकर 39,100 रुपये है। ग्रेड पे आपका 6,000 है। लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर भुगतान होगा। एज 21 से 40 है। और अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स के यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर पद देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 5 पद हैं इकोनॉमिक्स के। हिस्ट्री के 6 पद हैं, उर्दू के 2 पद हैं, इंग्लिश के 10 पद हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स के 7 पद हैं, होम साइंस 1 पद है, जूलॉजी 5 पद हैं, फिलॉसफी 1 पद है, जियोग्राफी 4 पद हैं, फिजिक्स 2 पद हैं, साइकोलॉजी 5 पद हैं, केमिस्ट्री 4 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस 8 पद हैं, बॉटनी 13 पद हैं, कॉमर्स 21 पद हैं, एजुकेशन 5 पद हैं, सोशोलॉजी 15 पद हैं, संस्कृत 8 पद हैं और हिंदी के 6 पद हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 128 है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आगे वैकेंसी दी गई सब्जेक्ट के अनुसार, तो जिस भी कैटेगरी से संबंधित हैं अपने विषय के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, दिया गया नीचे कि सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर बोला गया कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि ग्रेजुएशन में कम से कम
आपका 45%। सेकेंड डिवीजन बोला गया है, मतलब 45% से कम नंबर ग्रेजुएशन में नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि पीजी यानी मास्टर डिग्री में आपका 55% नंबर एग्रीगेट से होना चाहिए, ठीक है, 55% नंबर आपका मास्टर में होना चाहिए यानी पीजी में होना चाहिए। तो ये समझ गए होंगे आप, ये 55% की जो बाउंडेशन है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उसके लिए यहाँ पर बोला गया 5% जो रिजर्वेशन है वो इनको दिया जाएगा। इसके लिए जो पीएच हैं उनको भी 5% का रिजर्वेशन मतलब दिया जाएगा, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% पीजी में होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए 55% होना चाहिए, ठीक है। जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं उस विषय की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी आप में आपका पीजी में 55% और अगर रिजर्व में है तो आपका 50%, साथ में ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी किया है उसमें कम से कम 45%, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांगी गई एलिजिबिलिटी। दूसरा यहाँ पर बोला गया जिन लोगों ने पीएचडी कर रखा है और पीएचडी उनका 19 सितंबर 1991 से पहले का है, उनके लिए भी 50% की कंडीशन लागू होगी। इनको 55% की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंडीशन ये इससे पहले की पीएचडी डिग्री है तब ये चीज़ें आपके ऊपर लागू होंगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हों, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बोली गई है कि यूजीसी से द्वारा जो यूजीसी कराता है या एनटीए कराता है वहाँ से आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में अगर आपने नेट नहीं किया हुआ है तो यूजीसी से जो स्लेट परीक्षा होती है या सेट परीक्षा होती है ये आपने क्वालिफाई किया होगा तब भी आपको यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कहने का मतलब बीए या बीए बीएससी बीकॉम या ग्रेजुएशन कम से कम 45%, एमए या एमएससी एमकॉम 55%, रिजर्व के लिए 50% और साथ में नेट क्वालिफाइड, इतना तीन चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई इसको आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो यहाँ परीक्षा के बारे में बताया गया तो वो आप लोग समझ लीजिए। परीक्षा के बारे में यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि जो यहाँ पर चयन होगा, ठीक है, वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं द एबव सिलेक्शन थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के आधार पर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इंटरव्यू में कम अभ्यर्थी पहुँचे उसके लिए एक छटनी परीक्षा होगी जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम ये लोग देते हैं। तो इन आपका यहाँ पर पहले स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। लिखा है हाउएवर द कमीशन विल होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। छठनी प्रक्रिया के लिए बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ एक छठनी परीक्षा होगी, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू में जैसा होगा आपका वहाँ पर, ठीक है, नंबर जैसा होगा उसी के आधार पर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। रिटर्न एग्जाम में यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पर लिखा है कि हम अलग से एक नोटिस जारी करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, तो सारी चीज़ें आपको स्क्रीनिंग जब इसका अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम पता चलेंगी। फिलहाल अगर इसका आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो जो पिछली भर्ती इसकी हुई थी उसका आर्टिकल हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर पड़ा हुआ, ब्लॉग सेक्शन आप लोग चेक करिएगा, वहाँ पर सिलेबस का भी लिंक दिया होगा या सिलेबस दिया गया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछली जो परीक्षा में चीज़ें पूछे गई थी उस आधार पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका अलग से हमारे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें क्या क्या परीक्षा में पूछा गया था, तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका वीडियो भी अवेलेबल है, सिलेबस वगैरह का सारी चीज़ें, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और छूटी जा रही है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जो लोग हिस्ट्री से आवेदन करना चाहेंगे उसके लिए यहाँ पर स्पेशल रूप से बताया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मेंशनड एट सीरियल नंबर 2 सच कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल हु हैव मास्टर डिग्री इन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जिन्होंने आधुनिक इतिहास या मध्यकालीन इतिहास से एमए किया हुआ वो भी अभ्यर्थी हिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हो गई। और भी यहाँ पर मैंने बताया 6 विभागों से वैकेंसी आई हुई है, तो अपने हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से वैकेंसी है तो आप लोग दे सकते हैं।
जैसे यहाँ पर आप लोग देख कर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कई सारे जो मेडिकल में टर्म्स होते हैं उनसे संबंधित है। तो अगर आप इसके लिए भरना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट भी वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है, और भी कई सारी वैकेंसी है। अच्छा, एज कब से काउंट की जाएगी, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, तो ये कट ऑफ डेट है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com, वहाँ पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।